ना कर बैठे। फिर से स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्वाद ऑफिशियल पर, और हम आज के एपिसोड पे आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। आज हम आपसे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज हम आपको सिर्फ खाना दिखाएंगे। आज हम आपको लेके जाएंगे मुंबई, नहीं नहीं दिल्ली में ही हैं, लेकिन आपको खाना जो आज दिखाएंगे वो दिखाएंगे मुंबई का लोडेड चीज़ सैंडविच। आइए, मुझे पता है आपके मुँह में पानी आ रहा है, आइए। और ये जानी जाती है अपने सैंडविचेस के लिए। सबसे ज़्यादा खास बात इस दुकान की ये है कि जो बंदा यहाँ पे सैंडविच बनाता है, ही हैज़ बीन फ्लोन राइट अवे फ्रॉम मुंबई, और यहाँ पे सेम तरीके का सैंडविच उतना ही लोडेड बनाया जाता है जितना कि मुंबई में मिलता है। उतना ज़्यादा चीज़ डाला जाता है, उतने ही प्यार से परोसा जाता है, वैसी ही ग्रीन चटनी का स्वाद है, और इसीलिए इस दुकान का नाम है वाव सैंडविचेस। वेजिटेबल्स की भरमार है इसके अंदर, चीज़ तो आप देख ही रहे हैं, कोई भी कंजूसी नहीं की गई है इसके अंदर चीज़ डालने के अंदर। आई थिंक 100 से 150 या 200 ग्राम इन्होंने इसके अंदर चीज़ को स्टैट कर ही दिया होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ ही दिखाई देगा, इसीलिए इतना ज़्यादा ये फेमस है इनका ये सैंडविच। और इसके साथ ये सर्व करते हैं 3 तरीके की चटनी,
द केचप ऑफकोर्स, उसके बिना सैंडविच अधूरा है। उसके बाद ये पुदीने की चटनी है जो कि ये खुद बनाते हैं। उसके बाद इनकी थर्ड वेरी वेरी स्पेशल चटनी दे है, ये बनती है प्याज टमाटर और लहसुन से। उसके साथ ये सर्व करते हैं पोटैटो वेफर्स, क्योंकि सैंडविच के साथ वेफर्स ना हो तो इट्स नॉट अ मैच मेड इन हेवन। जैसे मेरे को सचमुच समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सैंडविच को कहाँ से शुरू करूँ, मैं इसको खाऊँ भी या नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा कलरफुल ये सैंडविच लग रहा है कि सचमुच देख के जो मेरी आत्मा है ना वो बिल्कुल तृप्त हो गई है। आई थिंक यही एज अ फूडी हम चाहते हैं कि जो भी हम खाएँ, जो भी हम खाने की बाइट लें वो इतनी ज़्यादा माउथ वाटरिंग हो कि खाते ही कहे कि वाई वाह मज़ा आ गया। आई थिंक ज़्यादा देर ना कराते हुए आपको ये फुली लोडेड चीज़ सैंडविच की बाइट मैं टेस्ट कराता हूँ। आपके माध्यम से मैं पहले खाता हूँ, आपको बताता हूँ इसके स्वाद के बारे में। मैं डिप करूँगा इसको सबसे पहले गार्लिक और टमेटो चटनी के अंदर। वन बाइट ऑफ दिस, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सैंडविच के लिए क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसके लिए जो एडजेक्टिव्स है ना वो भी कम पड़ जाएंगे। टेस्टी है, माउथ वाटरिंग है, यमी है, चीज़ी है, स्पाइसी है और सचमुच बहुत बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। एक ट्राई करते हैं एक बाइट ग्रीन मिंट के साथ। आई थिंक ये सैंडविच के बाद मुझे कम से कम 10 किलोमीटर तो भागना ही पड़ेगा, तभी जितना मैंने कैलोरी इंटेक किया है वो सब जाएगा। लेकिन आई डोंट केयर अबाउट द कैलोरीज एट ऑल राइट नाउ, क्योंकि इतना ज़्यादा यमी, इतना ज़्यादा टेस्टी ये सैंडविच है कि आई कैन हैव दिस एंड स्टिल नॉट फील गिल्टी अबाउट इट, क्योंकि मज़ा आ गया सैंडविच खा के। बिल्कुल मुंबईया स्टाइल सैंडविच है जैसा कि मुंबई में मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कलरफुल है, चीज़ी है, मेल्टी है, फ्लेवरफुल है और स्पाइसी है, और सबसे ज़्यादा बात है माउथ वाटरिंग है। देखिए कितना ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल किया गया है, वाओ मैन। आई एम श्योर आपसे ये देख के रुका नहीं जा रहा होगा और आपके मुंह में भी उतना ही पानी आ रहा होगा जितना मेरे कैमरा पर्सन के मुंह में आ रहा है, क्योंकि जितना जैसे वो धीमे धीमे हंस रहा है वो मुझे कह रहा है सर एक बाइट मुझे भी खाने दो, बट ही विल हैव टू वेट फॉर अ बिट। बट सीरियसली दिस इज़ वर्थ अ वाइल। का उल्लू उठाना चाहते हैं तो आपको आना होगा वाव सैंडविचेस, जो कि है साउथ एक्स पार्ट वन में, मैकडॉनल्ड्स के बिल्कुल साथ में है। और सैंडविच के अलावा यहाँ पे सेव पूरी, भेल पूरी और भी बहुत सारी आइटम मिलती है, लेकिन हम उसके लिए नहीं आए थे। हम आए थे इस जंबो चीज़ी सैंडविच के लिए और सचमुच ये खा के मुझे इतनी संतुष्टि हुई है, ये खा के मुझे इतना मज़ा आया है और ये खा के आई थिंक आई एम एट क्लाउड 9। मुझे सच में बहुत मज़ा आया है। मैं ये पूरा सैंडविच कोशिश करूँगा कि खुद कदम करूँ और उसके बाद बिल्कुल भी गिल्टी फील ना करूँ। अगर आप इस सैंडविच का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा वाओ सैंडविचेस। अभी आइए, जल्दी आइए और मेरी जो खाने की तलाश है और मेरी जो चीज़ी खाने की तलाश है ना, ऐसे ऐसे खाने की,
वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, वो ऐसे ही मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। मैं इसकी एक बाइट और ज़रूर लूँगा।